जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामलीला एपिसोड में। तो आज हम दिखाएंगे आपको रावण अंत। तो रावण तो बहुत टाइम से बचता आ रहा है, लेकिन क्या करें दोस्तों, जब तक रामचंद्र जी हमारे जिंदा है ना, तब तक रावण भी सारा जन्म लेता रहता है और कभी मरता ही नहीं, अपने पैर फंसा के आता है। तो देखते हैं अब कितना पैर फंसाता रावण, इस बार तो उसका अंत होना ही निश्चित हुआ है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज बलूनी, नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं दिमाग में नहीं जुबा पे आता हूँ और दिल में समा जाता हूँ। तो आप दिल में ही समाए मत रखना, सबको कह देना कि आपके दिल में मनोज बलूनी रहता है। शेयर कर दो मेरी वीडियो को, और हाँ, अगर जो आप अब तक मेरे साथ नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन काला कर दे, काला है तो आप मेरे साथ जुड़ चुके हो। घंटी का बटन जरूर दबाए, क्योंकि उसे नई नई वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलने वाली है। तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे प्यार में बह जाओगे फिर, और लाइक करना भूल जाओगे कि आपने लाइक भी करना है। और हाँ दोस्तों, मैं कॉमेडी और व्लॉग भी बनाता हूँ, मैं वीडियो के एंड में पोस्टर डाल दूंगा दो नीचे छोटे छोटे, आप उसको क्लिक करके कॉमेडी या व्लॉग कुछ भी देख सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद जय भारत। वनवासी और विश्व ज्ञानी ज्ञान का भंडार कहते हैं मुझे, तो क्या गुणवानी अवतार कहते हैं मुझे। ब
वनवासी और बज रहा मेरा कंठा स्वर्ग और पाताल में क्या कंठा है ना मेरा संत और संजोग में हेलो करता हूं रावण पुनः जीवित हो जाता है। मैंने जितनी बार भी इनके शीश काटे हैं हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ, फिर यह अपने आप ही जीवित हो जाता है। भगवान इसकी नाभि में अमृत है, जब तक आप अग्निबाण नहीं मारेंगे
भ्राता श्री मुझे माफ कीजिए। है है कौन विभीषण किन का हे भ्राता विभीषण संसार में उनके बराबर कोई भी विद्वान नहीं है, इसलिए भैया आप जाकर आचार्य जी से कुछ नीति और नियम सीख कर आओ। जो आज्ञा हो भ्राता श्री। दोस्तों रावण मर चुका है, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल। हे लंकेश मुझे कुछ नीति और कुछ निर्देश दीजिए। हे लंकेश आपके जैसा ज्ञानी योद्धा इस पूरे संसार में नहीं है, इसलिए मुझे कुछ अनुभव बताइए। भ्राता जी मैंने लंकेश से बहुत आग्रह किया परंतु उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। भैया अगर किसी से कुछ सीखते हैं तो सर की तरफ से नहीं बल्कि पांव की तरफ से अनुरोध करना चाहिए। अब तुम दोबारा जाओ भैया, वहां आपको जरूर नीति और नियम के बारे में अवश्य ही कुछ उपदेश देंगे। भैया हे लंकेश मुझे कुछ नीति और नियम के बारे में बतलाइए। हे लक्ष्मण अब मैं इस अवस्था में हूं कि तुम्हें क्या बता सकता हूं, परंतु लक्ष्मण कुछ बातें ध्यान में रखकर मैं तुम्हें बताता हूं। लक्ष्मण हाथ में मेरे नहीं अब जिंदगानी है। लक्ष्मण We'll be right back.
केस, अगर आप चाहो तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं राम, नहीं, नहीं जगदेश्वर, नहीं, आपके हाथ से आपके धाम जा रहा हूं। इससे भला अंत मेरा क्या हो सकता है। हे राम, पर इस चीज का सुकून है अपने जीते जी में है, तुमको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया राम, नहीं करने दिया। हे राम, मेरे मन में एक बात है राम, आप अपने मुख से मुझे बता दो कि थी मेरी हुई या आपकी। हे राम, अब मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, जरा मुझे बता दो राम। हे लंकेश, जीत तो आपकी ही हुई है, क्योंकि आपने अपना प्रण निभाया है। जीते जी आपने मुझे लंका में कदम नहीं रखने दिया। ठीक है राम, अब मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। हेलो, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मण यति की, बोलो जगत जननी सीता माता की, बोल बजरंग बली हनुमान की। देखिए दोस्तों, अगर जो आपने अब तक हमारे कोई पार्ट नहीं देखे हैं तो और वीडियो देखने के लिए नीचे क्लिक करें, इधर नीचे क्लिक करें, इधर देखना है तो इधर क्लिक किए, ये वाली वीडियो देखनी तो ये वाली वीडियो क्लिक किए। जो सी वीडियो आपको पसंद है वाली